जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। रेलवे में लाखों पदों पर निकली बंपर भर्तियाँ। आगे जान लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस पोस्ट पर क्या काम रहेगा और किस टाइप से हम लोग किस तारीख को हम लोग फॉर्म भर सकते हैं और कब ये इसका नोटिफिकेशन आएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्या है पूरी खबर जान लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने 1,30,000 खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। पदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको RRB की आधिकारिक अधिसूचना पर जल्द जारी कर दी जाएगी। RRB विज्ञापन के अनुसार कुल 1,30,000 लाख रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों जैसे कि NTPC, पैरा मेडिकल स्टाफ, मंत्री स्तरीय और पृथक श्रेणियों के लिए 30,000 रिक्तियां और लेवल वन पदों के लिए जो लगभग उम्मीदवारों की संख्या जो होगी वो 1 लाख के करीब होगी। और पूरी जानकारी जान लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और महत्वपूर्ण तिथियों, पात्रता मानदंड, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया आदि हेतु सभी महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। तो दोस्तों देखिए, गैर तकनीकी लोकप्रिय वर्ग मतलब NTPC के लिए टोटल पद होंगे 30,000, पैरा मेडिकल स्टाफ, मंत्री और पृथक वर्ग और लेवल वन के लिए 1 लाख। ओके, और गाइस NTPC के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया जो होगी 28 फरवरी 2019 से आयोजित की जाएगी। पैरा मेडिकल, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड स्टाफ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 8 मार्च 2019 से आयोजित की जाएगी। लेवल वन स्टाफ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 8 मार्च 2019 से की जाएगी। और दोस्तों अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप RRB की वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जितने भी पद निकलेंगे उसके लिए मैं आपको सूचना वीडियो बना के देता रहूँगा। ओके, जानकारी देता रहूँगा। तो जो लोग नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।